हेलो फ्रेंड्स, मैं कामना और कामना की रसोई में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने एक गिलास जितना पानी गर्म होने के लिए रख दिया और उसमें 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और उसे बॉईल होने देंगे। और जब तक हमारी लाल मिर्चें बॉईल हो रही हैं तब तक हम मिक्सी के जार में यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उन्हें कट करके रख लिया है। और साथ ही में लेंगे ये 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, इन्हें छील कर मैं इसी मिक्सी के जार में ऐड कर रही हूँ टमाटर के साथ ही। और ये देखिए हमारी लाल मिर्चें भी बॉईल हो गई हैं, अब इन्हें हम निकाल के अपने इसी मिक्सी के जार में ऐड कर लेंगे सारी हमारी साबुत लाल मिर्चों को। और ये जो हमारा थोड़ा सा गर्म पानी इसमें रह गया है ना बच्चा, इसी को थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके हम इसे पीस लेंगे। एकदम सारा पानी हमें ऐड नहीं करना है, बिल्कुल पीस के इसे फाइन चटनी की तरह बना लेना है। और एक पैन, गरम पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर मैंने ये चटनी इसे छानते हुए हम अपने पैन के अंदर ऐड कर रहे हैं और इसे भूनेंगे। और ये देखिए सारी चटनी को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि हमारे टमाटर के और हमारी साबुत लाल मिर्चों के बीज ना वो इसमें आने नहीं चाहिए। बिल्कुल फाइन चटनी हमारी बनकर तैयार करनी है हमें बनाकर। और साथ ही में मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें अब मैं थोड़ी सी रेड चिली सॉस भी मैंने ऐड की है एक ढक्कन के करीब। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। और ये अगर आपके पास चाट मसाला ना हो ना तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं इसमें। और ये देखिए हमारी एकदम फाइन चटनी बनकर तैयार हो गई है, देख लीजिए इसकी लुक। और ये देखने से आपको पता चल ही गया होगा ये चटनी, ये वही चटनी है जो मोमोज की चटनियाँ होती हैं, हम खाते हैं मोमोज में। ये देखिए बनकर तैयार हो गई हमारी मोमोज की चटनी। पर अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे की हम ये तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने ये ब्रेड लिए और ब्रेड के मैं कॉर्नर कट कर रही हूँ, हमें सिर्फ ब्रेड का वाइट पार्ट चाहिए। और ये इसके एजेस हम कट करके निकाल लेंगे और सारी ब्रेड भी हमें इसी तरह से इसके वाइट पार्ट हमें निकाल लें। और यहाँ पर मैंने फिर से पैन गरम होने के लिए रखा है ऑयल डालकर, हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। इसमें मैंने ये सारे ये कुछ 1 बड़े साइज़ की प्याज और 1 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, इन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है। और अब हम इसमें अपने ऑयल में ये सारे प्याज टमाटर हरी मिर्चें एक साथ ही ऐड करके इन्हें चलाते हुए थोड़ा सा भूनेंगे, इन्हें सॉफ्ट होने देंगे हमारे प्याज टमाटर को अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद में इसमें ये देखिए ऐड करूँगी यहाँ पे ये टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर ये मैंने अंडा लिया है और ये अंडा फोड़कर मैंने इसमें डाल दिया है तोड़कर। और यहाँ पर मैं एक और अंडे का यूज़ कर रही हूँ, मैंने 2 अंडे का यूज़ किया है। और अंडे हम अपने इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से हमारी अंडे की भुर्जी बनके तैयार हो जाएगी, ये देखिए। और साथ ही में मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और है इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, ज़्यादा सा हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ये सोया सॉस, ये भी मैंने 1 ढक्कन के करीब इसमें सोया सॉस का यूज़ किया है। और इसे डालकर अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारे अंडे की भुर्जी का कलर कितना खूबसूरत आया है सोया सॉस से। और ये देखिए इसे अच्छे से दबाते हुए भूनेंगे, हमारे अंडे की भुर्जी बना के हम इसे तैयार कर लेंगे। और इसे अभी हम रखेंगे साइड में ठंडा होने के लिए, आगे की अभी हम तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के अंदर 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर लिया है और इसे पानी की हेल्प से घोल के तैयार कर लेंगे, इसका घोल बना लेंगे बिल्कुल पतला थोड़ा सा। और इसे अभी रखेंगे साइड में, ये हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। और वापस से जो हमने हमारी ब्रेड ली थी उसके एचिस कट करके रखे थे, उसे बेलन से हमें अच्छे से बेल के एकदम फ्लैट कर लेंगे अपनी ब्रेड को। ये देख लीजिए बिल्कुल इस तरह से इसको बेल के एकदम पतला चपाती की तरह बना लेना है हमें। ये देखिए हमारी ब्रेड बस ऐसी हमें करनी है सारी ब्रेड। और अब मैं इसके अंदर ये जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा था ना, इसके चारों तरफ ये कॉर्नफ्लोर हम ब्रश की हेल्प से
इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। और ये जो हमारी अंडे की भुर्जी हमने बनाकर तैयार करी है ना, चटपटी सी बढ़िया सी, ये इसके अंदर बीच में थोड़ी सी फिल करेंगे, रखेंगे। और साथ ही में मैंने यहाँ पे लिए ये एक चीज़ की क्यूब, ये चीज़ को मैंने कट कर लिया क्यूब की शेप में और इसे भी बीच में फिल कर रहे हैं। और ये देखिए ब्रेड को अच्छे से फोल्ड करके दबाते हुए चारों तरफ से, और इसको हम इस तरह से इसे लॉक कर देंगे। बिल्कुल ये हमारा बनकर हमारी एक न्यू रेसिपी, ये हमारा ब्रेड का मोमोस बनकर। देखिए मैं आपको आपके सामने आप ब्रेड के मोमोस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ना कोई आटा है ना कोई मैदा है फ्रेंड्स, ब्रेड के न्यू मोमोस की रेसिपी मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी मोमोस बनाऊंगी मैं, और नारियल के बुरादे में कोट करेंगे। एक बार ये बना लेंगे ना, खा लेंगे तो आप ये मोमोस मैदे के तो खाना ही भूल जाएंगे, बाहर के ये इतने टेस्टी बनते हैं। ये देखिए मैंने इसमें अंडे की भुर्जी की फिलिंग भरी है, आप चाहें तो वेजिस कोई सी भी वेजिस इसमें फिल कर सकते हैं। और ये देखिए अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे, एक एक करके मैं मोमोज हमारे ये ब्रेड के मोमोज में से फ्राई कर लूँगी। और ये एकदम हमें थोड़े गोल्डन शेप में रखने हैं, और एकदम ये बहुत क्रंची मोमोज बनके हमारे तैयार होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये सारी ब्रेड के इसी तरह से मैं बनाकर इन्हें फ्राई करके रख लूँगी। और ये बिल्कुल हमें थोड़ा सुनहरी कलर में रखना है इसे, ताकि हमारी चीज़ जो हमने अंदर इसमें भरी है ना वो मेल्ट हो जाए, जब हम इसे इसकी बाइट लेंगे ना तो वो मेल्टेड चीज़ जब मुंह में आएगी और हमारे वो अंडे की भुर्जी, तो बहुत अमेजिंग सा मस्त सा टेस्ट आएगा। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने टेस्टी लगेंगे यम्मी खाने में, आप ज़रूर एक बार ये ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये ब्रेड के न्यू रेसिपी, ब्रेड के न्यू मोमोज आपने अपने बच्चों के लिए बनाए हैं या नहीं। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखिए इसी तरह से मैं ये सारे ब्रेड के मोमोज फ्राई करके रख लूँगी। ये देखिए मैं दूसरा भी फ्राई कर रही हूँ, ये भी हो गया है तैयार। ये देख लीजिए हमारे ब्रेड का मोमोज, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। अब फ्रेंड्स ब्रेड का है तो थोड़ी सी तो लुक में हल्का सा तो चेंजेस आएगा ही, मैदे का होता तो बिल्कुल प्रॉपर शेप में बनता, बट ये मैदे से ज़्यादा टेस्टी है, ये मेरी गारंटी। बहुत टेस्टी बनाए ये, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लीजिए बनकर तैयार हो गए हमारे न्यू रेसिपी, बिल्कुल न्यू ब्रेड के मोमोज। और ये चटनी और मियोनीज के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ, थोड़ी सी धनिया पत्ती से मैंने गार्निश कर दिया चटनी को भी। और ये हमारी मोमोज की चटनी है, बिल्कुल वैसी ही मार्केट स्टाइल जैसी आप लोग खाते हो ना मोमोज के साथ, ये बिल्कुल वैसी ही बनी है। और ये देखिए हमारे मोमोज भी मैं आपको इसे चेक करवाऊँगी। ये एक मोमोज मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ, इसमें मैंने वेजेस भरी थी। यहाँ पर मेरे पास रात की मूली की सब्जी थी, मूली की भुजिया, तो वो मैंने इसमें फिल करी है और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इसकी चीज़ और हमारी वेजेस, इसकी बहुत टेस्टी बना। और साथ ही में मैं अभी आपको दूसरा मोमोज भी दिखाऊंगी जिसमें हमने अंडे की भुर्जी फिल करी है जिसके अंदर। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ के, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी अंडे की भुर्जी बनी हुई, कितने खूबसूरत हमारा मोमोज लग रहा है। और ये बहुत टेस्टी है खाने में, अगर ये मोमोज इतना हेल्दी है, टेस्टी है, एनर्जी से भरपूर है, मैदे का इतना हेल्दी नहीं होता यार लोग, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हो। और ये देखिए कितना एकदम, मैं ऐसे आपको चेक टेस्ट करती हूँ, मैं बताऊँगी इसका टेस्ट कैसा है। बहुत बढ़िया सा बनाए हैं हमारा ब्रेड का मोमोज, यकीन मानिए बहुत टेस्टी है। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी में।